चैंपियन फिर से, मैं आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं समीप राजगुरु और हमारे साथ एकदम जोश भरे दर्शक बैठे हुए हैं। टीम इंडिया सेमीफाइनल पहुंच चुकी है। मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन धड़ाधर जीतती जा रही है। 7-0 के जीत का रिकॉर्ड बना रखा है। वर्ल्ड कप में अभी तक कोई हमारी टीम को छू नहीं पाया और ऐसा ही खेलती रही तो छू भी नहीं पाएगा। और जहां तक बात है, आज इस कार्यक्रम की खास मेहमान है जिनको मैं मंच पर बुलाऊंगा और अगले एक घंटे तक क्रिकेट और एंटरटेनमेंट का ऐसा तड़का लगेगा कि आपको वाकई में मजा आएगा और याद रहेगा। तो प्लीज वेलकम ऑन स्टेज हरभजन सिंह एंड कुमार सानू। दादा थैंक यू सो मच। मशहूर प्लेबैक सिंगर, पद्मश्री, तमाम अवार्ड से नवाजे जा चुके हैं कुमार सानू दादा और हमारे बीच हैं। हम भाग्यशाली हैं, एक तरफ हरभजन सिंह वर्ल्ड चैंपियन है, एक तरफ कुमार सानू दादा हैं। कुछ पहचान के मोहताज नहीं है, कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं कम ही बोलूँगा। लेकिन एक इससे पहले कि हम आपसे एक से एक गाना सुने, टीम इंडिया को जो आप डेडिकेट करोगे आज और जिस तरीके से टीम इंडिया खेल रही है उसको देख के आपका दिल कितना खुश हुआ अब तक? बड़ा मज़ा आया। एक तो पहली बात तो यह है कि लगातार 7 बार जीत, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात है, धोनी जी का मैं बहुत फ़ैन हूँ और एक इनका सामने बैठे हुए हैं जी भज्जी साहब, तो धोनी जिस तरह से कुल्ली सब चीज़ को हैंडल कर रहा है और जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, एकदम डेफिनेट है कि क्वार्टर फाइनल टू सेमीफाइनल, सेमीफाइनल टू फाइनल, फाइनल टू सीधा कप चैंपियन इंडिया में। क्या बात है, चैंपियन बन के आएंगे। और या और दादा ने जो जैकेट पहनी है शेर की, उसी तरीके से शेर अंदाज में टीम इंडिया खेल रही है। पाजी यहाँ पे टीम इंडिया का जो प्रदर्शन है वो किसी बब्बर शेर से कम नहीं है टीम इंडिया का अभी तक। बिल्कुल, धोनी भी गुर्रा रहा है, शेर कप्तान शेरों की टीमों का। बिल्कुल ऑफकोर्स सर, टीम इंडिया शेर है और शेर की तरह ही खेल रही है, इसमें कोई शक नहीं है। और उसका जो रंग है दादा ने भी पहना हुआ है और दादा भी आज शेरों की तरह यहाँ आए हैं और सबका हौसला अफजाई भी करेंगे, पूरी इंडियन टीम का हौसला अफजाई करेंगे। आप सब आए हो, थैंक यू वेरी मच। और मैं बहुत खुश हूँ, आज हमने 7 मैच जीते हैं, बिल्कुल 2 बाकी हैं और वो भी जीतेंगे और फिर सब दहाड़ेंगे यहाँ पे हम। और दादा मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, आपके जितने गाने हैं एक एक गाना याद है, मैं आपसे आज बहुत 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 गाने सुनने वाला हूँ। ये तो होने ही वाला है, मैं तो सोच के ही आया ये होने वाला ही है, ये होने वाला है। लेकिन हरभजन थोड़ी सी क्रिकेट की बात और करेंगे। बात यह है कि जिस तरीके से टीम इंडिया अब तक खेली है, कौन सी ऐसी चीज है, धोनी ने वनडे में इतिहास रच दिया है, 3rd नंबर पर आ गए हैं जीत के लिहाज से, शतक लगाया है जीत का, लगातार 7 मैचेस टीम इंडिया जीती है और लगातार 12 मैचेस सौरव गांगुली का रिकॉर्ड तोड़ा है, तो कप्तानी, टीम का एकजुटता, टीम का परफॉर्मेंस, हर चीज़ प्रभावित हम सब फैंस को कर रही है, लेकिन एक वर्ल्ड चैंपियन, इस टीम का हिस्सा, उसको कौन सी चीज़ बड़ी अच्छी लग रही है कि ये चीज़ मुझे, मैंने सोचा था अगर आ जाए टीम बहुत बेहतरीन हो जाएगी, वो चीज़ आपको दिखी हो? सबसे जो बेस्ट टीम हुई है इस टीम की, जो यूनिटी देखने को मिली है वो बहुत अच्छी लगी मुझे। क्योंकि जब आप अच्छा नहीं खेलते हो बाहर जाके तो बहुत बार आपकी टीम बिखर जाती है। हमारे साथ भी हुआ है, जब अच्छा नहीं खेलते हैं तो बिखर जाते हैं, 4 लोग अलग अलग बातें करते हैं, ड्रेसिंग रूम में अलग बात होती है। हालांकि हमने ऑस्ट्रेलिया में इतना अच्छा क्रिकेट नहीं खेला था, पर जब जैसे वर्ल्ड कप शुरू हुआ है दे मस्ट हैव सेट टुगेदर एंड कि चलो यार यहाँ से हमने क्रिकेट खेलनी है और ऐसी क्रिकेट खेलनी है कि दुनिया देखेगी। और वाकई उसमें धोनी का बहुत बड़ा हाथ है कि धोनी ने टीम को इकट्ठा किया है और सब तरीके से हमने जो अपने फायर थे वो किए हैं, बॉलिंग में, बैटिंग में, जो बॉलिंग को हम कम आंक रहे थे, बॉलिंग आज सबसे ज़्यादा जो है दूसरी टीमों से बेटर हो गई है हमारी। और भाई सबसे बड़ी बात एक और ये भी है कि हर मैच में एक अलग अलग हीरो मिलना, ये एक अपने आप में बड़ी गजब की बात है। ऑब्वियसली देखिए आप बॉलिंग में आपको डिफरेंट हीरोज मिले हैं, बैटिंग में आपको हर गेम में आपको डिफरेंट हीरो मिला है। कल तक हम कह रहे थे रोहित शर्मा ने कुछ नहीं किया, आज वो आज सबसे बड़ा हीरो है। वो तो मैं आपके सामने फिर से एक बार सलाम करूंगा क्योंकि कल भविष्यवाणी की थी हरभजन सिंह ने कि एक्स फैक्टर होगा टीम इंडिया का, और देखिए शतक जड़ के आज मैन ऑफ द मैच भी बन गया रोहित शर्मा और जीत का सबसे बड़ा कारण। और एक भविष्यवाणी कर रहा हूँ, मैं जल्दी टीम में आ रहा हूँ और आप सब मुझे देखेंगे और 150 विकेट लेते हुए। ऑल द बेस्ट। दादा यहाँ पर है कुमार सानू जिस महफिल में हो और वहाँ पर जो है वो क्रिकेट और एंटरटेनमेंट का तड़का ना लगे, और ये सब जो दादा आज माहौल है ये क्रिकेट की वजह से है और आप यहाँ पर हो,
तो इसका मजा दोगुना तिगुना हो जाता है। मेरे को यही डर लग रहा है कि सारे क्रिकेट का फैन है, नहीं पता नहीं गाने का फैन है कि नहीं, आई डोंट नो। सब गाने का फैन है, हरभजन सिंह हमारे पाजी खुद आपके इतने बड़े फैन है, और मैं चाहूंगा कि सबसे बड़ा पहला रिक्वेस्ट ही पाजी आपकी तरफ से उतार रखो। पहले मैं धोनी साहब के लिए यार, धोनी को हम एक गाना डेडिकेट करना चाहिए। हाँ, एक गाना, एक छोटा सा 4 लाइन मैं गाना चाहूंगा। आप लोग सुने हैं ये सब गाने? हाँ, सब गाने आपके इतने हिट है, किसने नहीं सुना दादा? तो वो जरा यहाँ पे धोनी साहब को बोला मैंने, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम रहना साथ मेरा, ओ हम नवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम रहना साथ मेरा, ओ हम नवा। तुम रहना साथ मेरा, ओ हम नवा। लाजवाब, वो क्या क्या जो टेक ऑफ किया है। हमेशा कहते हैं हरभजन सिंह ओपनिंग अच्छी होगी तो पारी जो है टीम इंडिया की अपने आप संभल जाएगी। ओपनिंग पे ही बात कर लेता हूं, दादा ने अगर ऐसा छेड़ा है, ओपनिंग से बहुत खुश हैं आज आप? मैं ओपनिंग से इतना खुश हूं, ये यहां पे आए हैं मैं इससे में गदगद हो गया हूं कि वाह हमारे बीच में आज। मैं तो कल से एक्साइटेड था और किसी को मैंने बताया नहीं कि दादा आ रहे हैं, मुझे मालूम यहाँ पे गेट क्रैश हो जाता है इसलिए मैं शांत था। लेकिन ओपनिंग की बात करें क्रिकेट में, आज टीम इंडिया को जो सबसे बड़ी जरूरत थी वो आके क्वार्टर फाइनल में मिल जाना, इस तरीके की पारी एक ओपनर से जो 40 ओवर तक खेल जाए और 75 रनों की पहले विकेट के लिए साझेदारी। हाँ देखिए, ये टीम की रणनीति होती है कि पहले जो 3 बैट्समैन है उसमें से एक बैट्समैन को 40 ओवर तक खेलना है, और जिस दिन वो 40 ओवर तक खेलेगा 300 टच करेंगे, क्योंकि कोई ना कोई बीच में से आके वो 70 रन जरूर बनाएगा। आज ने बनाए हैं, मैं यही बोलने वाला था, अभी टीम इंडिया के ऊपर इतना भरोसा हो गया कि शुरू वाला फेलियर हो जाए कोई बात नहीं है, मिडिल है, मिडिल वाला भी फेलियर हो जाए, लास्ट में जो है वो लोग भी कमाल कर दिखा जाते हैं। तो इसलिए हमें पूरा पूरा भरोसा है कि सेमीफाइनल एंड फाइनल डेफिनेटली। और दादा एक और चीज मैं जोड़ देता हूँ भाई, मुझे अचानक एक बात याद आई कि रियल लाइफ में ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन रियल लाइफ में क्रिकेट में हो सकता है कि एक भी विलन नहीं, पूरे के पूरे हीरो से एक पिक्चर बनी है। ये पिक्चर ऐसी है, इसमें सिर्फ हीरो पूरे के पूरे हीरो, बिल्कुल सारे लोग हीरो है। और इस लिस्ट में आज देखिए, जो इंडियन टीम के लिए खेलता है उसके साथ इतनी दुआएं हैं, वो विलन हो ही नहीं सकता है। आप लोग इतनी दुआएं करते हो, वो विलन कैसे हो सकता है? बिल्कुल, तो हीरो ही बनके बाहर आएगा ना। कमाल, ये कमाल की सुपरहिट पिक्चर है टीम इंडिया, ये कमाल की सुपरहिट पिक्चर है टीम इंडिया। और अगर टीम इंडिया की आज बात की जाए, जिस तरीके से 122 रनों की साझेदारी की टीम, 32वें 33वें 33वें ओवर तक हरभजन दबी भी कुचली भी लग रही थी बांग्लादेश के सामने, और उसके बाद 35 ओवर में ये टेक ऑफ हुआ कि अगले 15 ओवर में आप 300 का आंकड़ा पार कर। नहीं, ये अपने आप को एक सेट करना पड़ता है, टारगेट और प्लान के साथ क्रिकेट खेलनी पड़ती है। जब जल्दी विकेट जाते हैं तो आपको थोड़ा सा संभल कर खेलना पड़ता है कि एक के बाद एक विकेट ना जाए, हाँ। जो दूसरी टीमों की जाती हैं। बिल्कुल, और इसी में इंडियन टीम वो बहुत माहिर है, पार्टनरशिप वहाँ पे स्लो चल रही थी, पर ऐसा था उनको पता था कि जब टाइम हमारा आएगा हम फिर वो टैटुआ पकड़ेंगे और छोड़ेंगे नहीं, और वो टैटुआ पकड़ा और छोड़ा नहीं, लास्ट तक दबा के अब बांग्लादेश तक छोड़ के आए कि चलो अब जाओ भाई। वाकई में टेटू ऐसा दबा रहे हैं, लगातार 7 बार टेटुआ दबा दिया है सामने वाली टीम का, तो ऐसे ही दबाते चले जाएं तो बेहतरीन होगा। अब आप लोग मायूस मत हो, आप सब लोग, मैं देख रहा हूँ कि दादा की तरफ भी देख रहे हैं कि दादा कब है वो धुन छेड़ेंगे और आप लोग सब झूमेंगे उसमें। क्रिकेट में तो झूम ही रहे हैं पूरे दिन भर, दादा का आना बजी बाजी आपकी तरफ का आपका रिक्वेस्ट, अगर दादा के पता, दादा अगर आप धीरे धीरे मेरी जिंदगी में आना, अगर जब से तुझे देखा दिल को कहीं आराम नहीं, मेरे होठों पे एक तेरे सिवा कोई नाम नहीं। आजा आजा अब कैसा शर्माना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, हाँ धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना,
धीरे धीरे से दिल को चुराना। तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना, हाँ तुमसे मिलकर तुमको है बताना। और जो दादा ने ये गाना गाया, दादा ने गाना जो गाया है हरभजन, हरभजन पाजी देख रहे हैं और दादा देख रहे हैं, इंडियन टीम धीरे 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 अब सिर्फ दो कदम दूर रह गई है कप को चूमने से, हैं? सब बड़े जोश में बैठे हैं और इस वक्त शांत नजर आ रहे हैं, लेकिन कार्यक्रम शुरू होते ही बहुत हल्ला हो रहा है यहाँ पर। और एक तरफ कुमार शानू दादा हमारे साथ हैं, पद्मश्री और मशहूर प्लेबैक सिंगर, मैं जैसा कि लगातार कह रहा हूं पहचान के मोहताज नहीं, दूसरी तरफ वर्ल्ड चैंपियन हरभजन सिंह हमारे साथ हैं, जोरदार तालियां एक बार। ब्रेक के बाद अगर आप लौटे हैं तो आपको बता दूं आपने बहुत कुछ मिस कर दिया है, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी भी है, आगे पिक्चर अभी बाकी है मेरे भाई। और जो पिक्चर है, पिक्चर में क्रिकेट हम पहले बात करेंगे, क्रिकेट में जिस तरीके से टीम इंडिया के बारे में आप तारीफ कर रहे थे, हर मैच में अलग अलग हीरो मिल रहा था। एक चीज़ यहाँ पर हमने देखी कि धोनी भी बहुत प्रोएक्टिव हुए, बहुत स्मार्ट कप्तानी की और रिकॉर्ड अपने आप उनसे चिपकते जा रहे हैं। हाँ, इसमें आगे कैसे कप्तानी करनी है यहाँ से? देखिए, आगे इससे भी बेटर कप्तानी करनी है, क्योंकि धोनी इंडिया के सबसे सफल कप्तान इसलिए है क्योंकि वो बहुत प्रोएक्टिव है। हाँ, और वो लकीर के फकीर नहीं है कि मिड ऑन मिड ऑफ पे होना चाहिए, कवर में होना चाहिए, जहाँ पे उनको लगता है कि फील्डर होने चाहिए, चाहे वो अनयूजुअल जगह हो, सब कमेंटेटर कहते हैं यहाँ क्यों बंदा रखा है, पर वहीं बंदा आउट होता है। तो वो एक प्रोएक्टिव कप्तान है और वहाँ उन्होंने एक बार नहीं 10 बार जितनी बार एक्सपेरिमेंट किए उसमें से 8 बार वो सक्सेसफुल हुए हैं। और धोनी की खास बात ये है कि जो वो प्लान करते हैं उसको बैकअप करवाते हैं बॉलर्स के साथ और बॉलर उनके लिए बॉल डालते हैं, तो एक जो कम्बिनेशन है टीम में कप्तान और प्लेयर्स के बीच बहुत अच्छा है, वो ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। और अगर वैसे ताल्लुकात हों तो ऑब्वियसली कप्तान का जो आधा काम है वो आसान हो जाता है। बड़ी सीरियस बात हुई है। तो एक आप लोगों ने सुना बाजी पाजी को बिहारी बोलते हुए, बाजी पाजी वो बिहारी एक्सेंट में बताते हैं वो क्या था, वो बहुत मनोबल है, बिहारी बहुत जबरदस्त बोलते हैं। हाँ, तो कभी कभार बोल देते हैं, तो ऐसा तो नहीं है, तो ये लोग ना ही जानते हैं। तो धोनी डर तो बोलते हैं ना, अरे दोनों तो नहीं डरे हैं हमारे से, दोनों नहीं डरे हमारे से, हम डरे हैं धोनी से। धोनी से पूरी दुनिया डरे। और आज जो बजी बाजी उन्होंने मुझे बोला है कि सारे रिक्वेस्ट, इतने गानों की लिस्ट लेके आए, दादा को सारे रिक्वेस्ट मैं दूंगा, तो आज जो है पूरा जो है बेटन जो है वो बजी बाजी के हाथ में। दादा वो आपका वो गाना हो जाए, मेरी महबूबा। मुश्किल में तो नहीं फंसा रहे हैं, है? दूसरा तो नहीं डल रहा है यहाँ पर दादा, बुगली हो रही हो। आपकी भी फरमाइश, शाहरुख खान, जिस जिसको शाहरुख खान बनना सामने आ जाए, क्योंकि ये बजाने वाला जो है ना। अच्छा, इस गाने में क्या नाचेगा? नहीं नाचेगा नहीं, ये स्टाइल ही करेगा ना, सिर्फ स्टाइल करना है, नाचना नहीं। अरे बैठो बैठो यार, तुम तो अपनी अपनी जगह वापस जाओ, अभी अपनी अपनी जगह में वापस जाओ, नहीं तो कार्यक्रम यही बंद हो जाएगा। अपनी अपनी जगह में वापस जाओ, वापस वापस, थैंक यू। नहीं, मजाक मजाक में बहुत लोग आ गए यार, इतने शाहरुख खान है, इतने शाहरुख खान नहीं चाहिए हमको। ठीक है ठीक है, हाँ दादा। किसी रोज तुमसे मुलाकात होगी, मेरी जान उस दिन मेरे साथ होगी, मगर कब ना जाने ये बरसात होगी। मेरा दिल है प्यासा, मेरा दिल अकेला, जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ, मेरी महबूबा, मेरी तकदीर है तू नजर के सामने आ, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी
महबूबा मेरी महबूबा वाकई वाकई जबरदस्त जबरदस्त दादा, थैंक यू सो मच। लगातार ये सिलसिला चलता रहेगा।